दोस्तों पीएमबी का इनिशियल रिस्पांस आपने क्राफ्ट कर दिया आपने उन पॉइंट्स को एड्रेस किया जो कि एम्प्लॉयर्स ने इनिशिएट किए थे ओपन किए थे नाउ द मिलियन डॉलर क्वेश्चन हाउ शुड बी सबमिटेड देख लेते हैं मैं इस पर पहले भी बात कर चुका हूं बट अब चूंकि टॉपिक पीएमबी से रिलेटेड है आपको समझाना बहुत जरूरी है कि वट काइंड ऑफ जेस्टर्स एंड रिस्पॉन्सेस फ्री लेंसेज टिपिकली शो मैं अपने एक आपको आपके सामने एज ए सीनैरियो रख के पेश करता हूँ और आप समझ लीजिएगा कि कौन सा जेस्चर सही है एक तो जनाब पी आ गया एम्प्लॉयर ने कहा मुझे मौका चाहिए मिसाल के तौर पे जिस फॉर डिस्कशन से एक शाम सर्वर हो गए चौड़ मुझे पीएमबी आया अभी देखना शाम को दोस्तों के साथ सैर करके आऊँगा उसके बाद इसको रिस्पांस दूंगा श्याम सरवर साहब चले गए दोस्तों के साथ खुशी में फ्रीलांस मार्केट प्लेस पर पहली दफ़ा जवाब आया दोस्तों को ले गए सैर सूर की चार एक घंटे गुजर गए चार घंटे बाद आके रिस्पॉन्स दिया दूसरा सिनेरियो रिस्पॉन्स आया और मैंने ए एस ए पी रिस्पॉन्स का रिप्लाई किया वर्ड क्या यूज़ कर रहा हूं रिस्पॉन्स का रिप्लाई किया पी में एम्प्लॉयर आप कम्युनिकेशन चैनल इनिशिएट करता है और मैंने फॉरन ए एस ए पी का क्या मतलब है एज सून एज पॉसिबल भाई जितना मुझे जल्दी टाइम मिला तरीकाकार मैं आपको बता चुका हूँ कि आप अपने मोबाइल पे स्मार्टफोन पे एप्स इंस्टॉल कीजिए ईमेल क्लाइंट रखिए जब भी कोई पीएमबी का मैसेज आएगा तो आपको सबसे पहले ईमेल आएगी जब आपको ईमेल आएगी आप पे लाजिम है कि आप फ्रीलांस लैंस मार्केट प्लेस पर एज अ फ्रीलैंस साइन बैक करें और इस पी की तरफ जाए जिसके आ, जिस प्रोजेक्ट से रिलेटेड आपको मैसेज आया है और उसको रिप्लाई करें दोनों सिनेरियो में क्या लगता है क्या सही है लगता सारों को एक ही बात है पर फिर भी कुताही हो जाती है कुताही इन अ सेंस खुशी दो घंटे बाद रिस्पॉन्स एक घंटे बाद रिस्पॉन्स अरे भाई इट इज रेस अगेंस्ट वर्ड क्या देके जा रहा हूं इस वीडियो में रेस अगेंस्ट द टाइम जो जीता वो ही सिकंदर वक्त की बात है गुजरा वक्त वापस नहीं आता आप चार घंटे बाद रिस्पॉन्स देना चाहते हैं जरूर दीजिए उन चार घंटों में स्टेटिस्टिकली प्रूवन है कि कोई भी फ्रीलांस मार्केटप्लेस की डील इट टिपिकली बिगिंस टू गेट फाइनलाइज विद इन फर्स्ट हैफ एन आवर क्या वर्ड यूज किया मैंने विद इन फर्स्ट हैफ एन आवर दस साल से काम कर रहा हूं ओवर वन मिलियन यूएस डॉलर्स कमाए हैं टॉप रैंक रहा दो साल शो केसरा गुरु डॉट कॉम के होम पेज पे एज अ हॉल ऑफ फेम दो साल से ज्यादा मान लो सब मार खा के सीखा है आपको बड़ा आसानी से बता लो रिस्पॉन्स यूं होना चाहिए सोचना नहीं है इंतजार नहीं करना घंटे नहीं गुजारने अब इस पर सवाल यह पैदा होता है अगर आप रात को सो रहे हैं क्या करें आपने बिट की हमने टाइमिंग्स की भी वीडियो पर बड़ी डिटेल से बात की कि किस वक्त पे बेड का रिस्पांस जाना चाहिए अब आपको तीन बजे रात के पीएमवी वी का मैसेज आ गया आप तो सो रहे हैं जनाब तो आप फजर के वक्त उठेंगे दो तीन घंटे का लैप्स हो गया ये आपके कंट्रोल में नहीं है इसलिए इससे परेशान नहीं होना मैं जो ज़िक्र कर रहा हूँ जो सिनेरियो आपके सामने रखा दोस्तों वाला वो डिलिब्रेट रिस्पॉन्स का था इट्स ओके okay. बट ज़्यादा ज़रूरी ये है कि व्हेन यू सी द मैसेज रिप्लाई करें इंस्टेंटली और बताएं एम्प्लॉयर को कि जनाब आपने जो ख्वाहिश का जहार किया एज अ मॉकअप या जो सवाल का जवाब दिया उस पर अगला सवाल या कम्युनिकेशन इन शॉर्ट इन टर्म्स ऑफ कॉल ऑन स्काइप या मैसेज ऑन स्काइप उसका ख्वाहिश का जार किया तो आप पे लाजिम है कि आप उन तमाम एस्पेक्ट्स का जवाब दें बट द वर्ड हेयर इज एस ए पी दिस इज हाउ अ रिस्पॉन्स शुड बी सबमिटेड ऑन अ प्रोजेक्ट मैसेज बोर्ड डू नॉट वेट फॉर आर्स इफ यू वेट फॉर आवर्स एम्प्लॉयर के पास भी इतना टाइम नहीं है अगर प्रोजेक्ट पोस्ट किया है तो इट मस्ट बी इन हरी दे मस्ट बी नीडिंग इट एज सुन एज यस्टरडे रानगी हो रही है ना कि कल तक आज का काम कैसे चाहिए था ये इंग्लिश की टर्म है जिसका मतलब है कि इतनी ज्यादा जरूरत थी एज सून एज यस्टरडे आई होप दैट मेक सेंस